आज हमारे बीच हिमाचल में बीजेपी की पहचान दिलवाने वाले दिग्गज जो हैं शांता कुमार जी हमारे बीच हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह की अब लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो इस तरह से बीजेपी जो आपने देखा होगा सर, आपने तो बड़े शुरुआती दौर से देखा है कि 4 सीटों से आज हम 400 तक की बात करते हैं। क्या समझते हैं कि क्या जो है वो अब किस परिवेश में आप बीजेपी को देखते हैं? देखिए, 1951-52 से प्रारंभ से मैं पार्टी से जुड़ा हूं जी। मैंने इस पार्टी को आगे बढ़ते हुए जनता पार्टी बनते हुए फिर टूटते हुए जी फिर भारतीय जनता पार्टी बनते हुए देखा है, अनुभव किया है। मैं प्रत्यक्ष दर्शी ही नहीं, इसमें प्रत्यक्ष काम करने वाला व्यक्ति हूं जी। समय बहुत बदल गया। मैं कई बार सोचता हूं कि 51-52 में हमारे पास क्या था। सच कहता हूं, मैं 17 वर्ष की आयु में मैट्रिक करके संघ का प्रचारक बनकर घर से निकल गया था और 19 वर्ष की आयु में कश्मीर आंदोलन में सत्याग्रह करके 8 महीने जेल में रहा था। उस समय भाजपा के पास कुछ नहीं था, पुलिस की लाठियां थी, जेलें थी, चुनाव लड़ते थे तो जमानत जब्त होती थी, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता, देशभक्ति की राजनीति और मूल्य आधारित राजनीति, ये 3 बातें हमारे पास थी और इन 3 बातों के कारण उस वक्त की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को भारत के लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आज जो परिस्थिति है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई अनुमान नहीं लगा रहा हमको कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन भारत की राजनीति के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और नया रिकॉर्ड बनाकर श्री नरेंद्र मोदी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बने। शांता जी, एक इसी से जुड़ता हुआ सवाल है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, विपक्ष की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। क्या लगता है कि किस तरह से जो है इसको अब आगे जो है पार्टी को ले जाया जाएगा या लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जब लोगों को लगता है विपक्ष खत्म हो रहा है, कुछ नहीं है और शायद मेरी पार्टी के लोग खुश होते होंगे, मैं बहुत चिंतित होता हूं जी। क्योंकि लोकतंत्र स्वस्थ सशक्त विकास के विपक्ष के बिना चल नहीं सकता। देश का दुर्भाग्य है जी। देश का दुर्भाग्य है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इतने बड़े देश में पूरे देश की पार्टी भाजपा के बाद केवल कांग्रेस, और कांग्रेस आत्महत्या करने पर तुली है। जो प्रमोद कृष्ण जी ने कहा वही मैं कहूंगा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि एक परिवार में बंद हो गई है। अगर ये कांग्रेस आज भी उस परिवार से बाहर निकले तो विपक्ष की भूमिका निभा सकती है, लेकिन विपक्ष विहीन होता हुआ देश का लोकतंत्र जनता का विषय। अच्छा शांता जी, आपको क्या लगता है कि एक देश एक कानून एक चुनाव, क्या कहेंगे उस पर आप? लोकसभा का चुनाव, देखिए आज परिस्थिति क्या है, जो भी वायदे हमने किए थे हम सबको असंभव लगते थे, संभव हुए जी। मैं आपको बताऊं कि 53 में 19 वर्ष की आयु में सारा दिन की नौकरी छोड़कर सत्याग्रह किया और भयंकर गर्मी में इस साल में 8 महीने रहे, देश के हजारों लोग जेलों में गए 370 खत्म करने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ 370 खत्म करने के लिए, लेकिन फिर समय बीत गया और मैंने अडवाणी जी को कहते हुए सुना है कई बार दिल्ली में कि हमने बड़े बलिदान किए, डॉक्टर मुखर्जी को भी बलिदान किया,
लेकिन अब लगता नहीं 370 खत्म होगा, वो 370 खत्म हो गया जी। इतने नहीं, और भी असंभव। राम मंदिर कौन सोचता था कि राम मंदिर बनेगा? 500 साल कठोर संघर्ष, 100 साल से अधिक मुकदमेबाजी, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सारे संघर्षों के बाद भी, सारी बाधाओं के बाद भी राम मंदिर बना और पूरा भारत राममय हो गया है। और भारत के अंदर सैकड़ों सालों के बाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान एक बार फिर से सामने आ रहा है। तो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आपको क्या लगता है कितनी लगभग सीटों की अपेक्षा जो है, जैसे जो है, जैसे हमेशा ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 400 पार, क्या लगता है कि 400 पार कर पाएगी? अनुमान लगाना तो कठिन है, सब रिकॉर्ड टूटेंगे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड शायद 411-12 का है, वो रिकॉर्ड टूटे, वो रिकॉर्ड भी। बात यह है ना कि दुर्भाग्य है ये, मैं इसमें खुश नहीं हूँ कि सामने कोई है ही नहीं। विपक्ष मिलता है, जुड़ता है, टूटता है, दुर्भाग्य है देश का, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो है वो है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, सच कहता हूं, दूर दूर तक कोई विकल्प न नरेंद्र मोदी जी का है न भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए इस चुनाव में नया रिकॉर्ड बनेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा, ये राममय भारत हो गया, उसके बाद चुनाव हो रहा है। 370 जैसे असंभव संभव हो गए, उसके बाद ये चुनाव होगा। मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा मौका आएगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब का फ्री हो। मैंने ही नहीं सोचा था। तो इतनी सारी बातें देश में हुई है, इसलिए देश की जनता नया रिकॉर्ड बनाएगी। अच्छा शांता जी, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उसी के विपक्ष में आप ऐसे कौन कौन से नेता मानते हैं जो उनके समकक्ष नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर कौन से ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के तौर पे या पक्ष पे एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह जो परिवर्तन हुए, जो नए मुख्यमंत्री बने, क्या किसी ने उनका नाम सुना था? तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन आज भी हमारी पार्टी में कुछ बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं और जिनको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसे बहुत से नेता हैं। नेताओं की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और भारत में भाजपा विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता की पार्टी है, लेकिन नेताओं के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। मेरा शांता जी, मेरा प्रश्न था कि विपक्ष की पार्टियों में जैसे एक राहुल गांधी नाम आता है, ममता बनर्जी आती है, और भी कई नाम है, ऐसे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से लीडर्स हो सकते हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं? बहुत नेता है ऐसे, अनुभवी नेता है ऐसे, बहुत नेता है ऐसे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा, अच्छी तरह से बैठ नहीं रहे। बात ये ना कि देखिए, कहाँ राहुल गांधी, क्या वो कहते हैं, क्या वो कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को। कांग्रेस ही अगर राहुल गांधी उस परिवार से बाहर निकले तो कांग्रेस ही अच्छा विपक्ष बन सकती है जी। बाकी पार्टियों में भी है कुछ नेता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद बाकी सभी पार्टियां या किसी परिवार की है, या किसी व्यक्ति की है, या किसी प्रदेश की है। तो ऐसी पार्टी को पूरे भारत की पार्टी बनना कठिन है, असंभव है। अच्छा शांता जी, अगर आपने देखा होगा हिमाचल में भी, हिमाचल की राजनीति में बड़ी उठापटक जो है इन दिनों चल रही है, सरकार में बहुत ज्यादा हेर फेर की परेशानियां चल रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। आपका राजनीतिक जीवन जो है वो बहुत लंबा रहा है, आप सुखविंदर सुक्खू को बतौर मुख्यमंत्री आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरुआत तो अच्छी की है उन्होंने जी, और सुखाश्रय जैसी उनकी योजनाएं जिनमें अंत्योदय की भावना है,
उन योजनाओं को लेकर वो चल रहे हैं। इतना ही है कि अब थोड़ा वो थोड़ा इस प्रकार चल पड़े हैं कि जो गैर योजना गए है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहले ही कर्ज में डूबा पड़ा है उसमें गैर योजना गए कम से कम होना चाहिए। छोटे से हिमाचल में इतने जिले तहसीलें ये व्यर्थ खड़े किए हैं सबने, उनकी आवश्यकता नहीं थी। और परिणाम क्या है कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन, आज हालत यह है कि पूरे का पूरा बजट कर्मचारियों के वेतन के लिए और कर्मचारियों के पेंशन के लिए लगता है, पैसा बचता ही कहाँ है जी। तो हिमाचल प्रदेश में मैं सुखू जी को सलाह दूंगा कि आप गैर योजना जो खर्चा है उसको आगे ना बढ़ाएं और उसको आनंद से चलें, और जिस ढंग से वो कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तकलीफ है वादे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने प्रारंभ अच्छा किया। सबसे अच्छा मुझे खुशी है कि सबसे पहले मेरे पास आए थे तो मैंने कहा था हिमाचल में तो पर्यटन 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 स्विट्जरलैंड से कुछ भी कम मेरे हिमाचल में नहीं है जी, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा सके। तो वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बल्कि कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की कोशिश की है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें दो काम अगर हो जाए, पालमपुर का रोपवे बन जाए और चंबा का सीवर का प्लान बन जाए तो कांगड़ा लोकसभा बाकी देश के लोगों को रोजगार देगी। तो मैंने यही कहा कि ऐसे ऐसे जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनको आगे लाने की कोशिश करो। मैं जब मुख्यमंत्री बना था नया जिला बनाओ ये करो वो करो वो करो, समय बहुत थोड़ा मिला लेकिन थोड़े समय में पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय हो गया जी। एक ऐसी संस्था बन गई जो पूरे देश में आज नाम बना रही है और हजारों लोगों को रोजगार दिया उसने जी। अच्छा शांता जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे अब सभी सरकारों ने एक ट्रेंड अडॉप्ट कर लिया है मुफ्त में बिजली मुफ्त में राशन मुफ्त में आपकी 1500 रुपए या इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको आप किस हद तक सही मानते हैं, क्या ये हमारे लोकतंत्र या आम भारत की तरक्की के लिए ये बाधक है या नहीं है, क्या लगता है उसे लोगों का विकास होगा? ये मुफ्त रेवड़ियां बनाने का जो ट्रेंड चला है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर यही रहा तो लंका और पाकिस्तान के तरह भारत की हालत हो सकती है। बात यह है कि लोगों को भिखारी क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो भिखारी? हाँ जो गरीब है उसकी मदद करो। हिमाचल में हमारी पार्टी का सरकार 77 में आई थी, मुझे अनुभव नहीं था, मैं तो 19 महीने जेल में था जी, एकदम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आया, लेकर हमने हिमाचल के 1 लाख सबसे गरीब लोग चुने, उनकी हर प्रकार की मदद की और इतनी मदद की कि 1 साल के अंदर 40% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए। तो इस ढंग से मदद करो, जो गरीब है उसकी मदद करो, सभी को रेवड़िया बांट रहे हैं केवल वोट के लिए। देखिए देश का दुर्भाग्य है कि आज देश की राजनीति देश के लिए नहीं है, आज देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए है, केवल कुर्सी के लिए। मैं कई बार सोचता हूं महात्मा गांधी जीवन भर राम राज्य की बात करते रहे, रघुपति राघव राजा राम गाना गाते रहे और जीवन के अंतिम समय पर भी उनके मुंह से राम निकला, लेकिन उन्हीं के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस ने अदालत में जाकर कहा कि राम तो कभी हुए ही नहीं। क्या दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है। जातिगत जनगणना की बात हो रही, 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों को लगा कि अगर भारत में हमेशा राज्य करना है तो भारत के लोगों को बांटना होगा, धर्म के नाम पर बांटो जाति के नाम पर बांटो। तो जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जातिगत जनगणना करेंगे, पूरे भारत ने विरोध किया। 1931 में जातिगत जनगणना कर ली गई लेकिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में तब विरोध हुआ,
कि उसका परिणाम आज तक घोषित नहीं हुआ है। तो दुर्भाग्य है कि गुलाम भारत में देश की राजनीति देश के लिए थी, तो आजाद भारत में देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए है, यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा शांता जी, कई अटकलें लग रही हैं, जैसे ये उठा पटक चल रही थी, तो सुधीर शर्मा जो हैं आपके क्षेत्र से आते हैं, अगर बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की जनता सुधीर शर्मा को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैंने राजनीति की है सिद्धांत की राजनीति, मैंने सत्ता छोड़ी या सत्य नहीं छोड़ा, इसलिए हिमाचल में आज जो कुछ हो रहा है, अगर आप मुझे बहुत पूछेंगे तो मेरी आंखों से कुछ आंसू टपक सकते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो आपने देखा कि सत्ता छोड़ी पर सत्य नहीं छोड़ा, ये कहा शांता कुमार जी ने, तो कहीं ना कहीं हिमाचल की और देश की जो परिस्थितियां चल रही थी उससे हमने अवगत कराने की कोशिश की, और साथ ही शांता जी के हमने कुछ विचार अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। पालमपुर से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।